The poor child told a simple tale of what had happened. While speaking to she scattered diamonds right and left. उसके बाद क्या हुआ, वो लड़की जो है अपनी मम्मी को सारा कहानी बताई कि आज वो वहां गई थी, आज उसके साथ क्या हुआ। वो जैसे जैसे बात कर रही थी उसके मुंह से डायमंड्स गिरता ही जा रहा था। Really? said her mother. सच में ऐसा हुआ था? I must send my own child there. तो क्या बोली, तब हम अपनी बेटी को भी वहां भेजेंगे। Come here, Fancon. Look what comes out of your sister's mouth whenever she speaks. उसके बाद वो अपनी बड़ी बेटी को बुला के बोली, इधर आके देखो तुम्हारी बहन के मुंह से क्या निकल रहा है जब भी वो बात कर रही है। तो वुडेंट यू लाइक टू बी एबल टू डू द सेम, क्या तुम भी ये सेम काम करना चाहोगी। ऑल यू हैव टू डू इज टू गो एंड ड्रॉ सम वाटर एट द स्प्रिंग एंड व्हेन अ पुअर वुमन आस्क्स यू फॉर अ ड्रिंक गिव इट टू हर वेरी नाइसली। तो वो क्या बोली अपनी बेटी को, एक काम करो तुम भी जाओ पानी भरने के लिए, और अगर कोई बूढ़ी औरत तुमसे पानी मांगे तो बहुत प्यार से उसको पानी पिलाना। ओ इंडीड रिप्लाइड द इल मैनर्ड गर्ल। ओ सच में ऐसा है क्या, वो बहुत ही एरोगेंटली बोली बड़ी बेटी। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम, गो देयर योर सेल्फ। तो क्या बोली कि हम अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, आप ही चली जाइए। आई टेल यू दैट यू आर टू गो सेट द मदर एंड गो टू द इंस्टेंट। उसकी मम्मी क्या बोली कि हम तुमको बोल रहे हैं ना तुमको जाना है तो तुम जाओगी अभी। द गर्ल वेंट ऑफ सल्कली टेकिंग विथ हर द बेस्ट सिल्वर फ्लैगन इन द हाउस। उसके बाद लड़की गई मुंह बनाते बनाते गई और घर से सिल्वर फ्लैगन लेके गई, यानी कि सिल्वर का मटका लेके गई। व्हेन शी रीच्ड द स्प्रिंग शी सॉ अ लेडी मैग्निफिशेंटली ड्रेस्ड हु केम टुवर्ड्स हर फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड आस्क्ड फॉर अ ड्रिंक। जैसे वो वहां पहुंची, देखिए एक लेडी जो है मतलब अच्छा खासा कपड़ा पहन के फॉरेस्ट की तरफ से आ रही है और पानी के लिए बोली। दिस वॉज द सेम फेयरी हु हैड अपीयर्ड टू हर सिस्टर नाउ ड्रेस्ड एज अ प्रिंसेस। ये वही फेयरी थी जो उसकी छोटी बहन से मिली थी एक बूढ़ी औरत बन के, लेकिन वो उसकी बड़ी बहन से क्या बन के मिली, एक प्रिंसेस। द फेयरी वॉन्टेड टू सी हाउ इल नेचर्ड द गर्ल कैन गेट। एक्चुअली मैं फेयरी देखना चाहती थी कि आखिर ये मतलब क्या करेगी, अब हमको पानी पिलाएगी कि नहीं पिलाएगी। डू यू थिंक आई हैव कम हेयर जस्ट टू गेट यू अ ड्रिंक सेट द रूड गर्ल एरोगेंटली। तो वो एल्डर बेटी जो थी वो क्या बोले कि आपको क्या लगता है हम यहाँ पे आपको पानी पिलाने आए हैं। डू यू थिंक आई ब्रॉट अ सिल्वर फ्लैगन हेयर स्पेशली टू गिव यू अ ड्रिंक ड्रिंक फ्रॉम द स्प्रिंग इफ यू वॉन्ट टू। तो क्या बोली हम ये जो चांदी का मटका लेके आए हैं इससे पानी पिलाने के लिए हम आपको आए हैं, आपको पानी पीना है आप खुद से जाके पी लीजिए। यू आर नॉट वेरी पोलाइट एंगर। तो फेयरी क्या बोली, तुम बिल्कुल ही अच्छी लड़की नहीं हो, पर वो कुछ गुस्सा नहीं दिखाई उसको। वेल इन रिटर्न फॉर योर रूडनेस आई विल गिव यू अ कर्स, लेकिन हम तुमको इसके लिए श्राप देते हैं। फॉर एवरी वर्ड यू अटर अ स्नेक और अ टोड शॉल ड्रॉप आउट ऑफ योर माउथ। तुम जब भी बात करोगे तुम्हारे मुंह से चाहे तो सांप निकलेगा चाहे तो मेंढक निकलेगा। द मोमेंट हर मदर सॉ हर कमिंग बैक शी क्राइड आउट वेल डॉटर। तो इसके बाद क्या हुआ, ये रिटर्न चली गई। तो जैसे ही इसकी मम्मी उसको रिटर्न आते हुए देखी वो पूछी, तब बेटी क्या हुआ। वेल मदर रिप्लाइड द रूड गर्ल। उस बेटी क्या बोली, वेल मदर क्या मम्मी। एज शी स्पोक अ वाइपर अ टोड स्पेड आउट ऑफ द माउथ। लेकिन वो जैसे जैसे बात करना स्टार्ट की वैसे वैसे उसके मुंह से सांप और मेंढक निकलना स्टार्ट हो गया। ग्रेशियस हेवेंस क्राइड हर मदर व्हाट डू आई सी हर सिस्टर इज द कॉज ऑफ दिस एंड आई विल पनिश हर फॉर इट। उसकी मम्मी क्या बोली, अरे ये क्या हो रहा है, इन सब के पीछे तुम्हारी छोटी बहन का हाथ है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। Off she ran to trash the poor child, but she ran away and hid in the forest nearby. जैसे ही वो दौड़ के गई अपनी बेटी को सजा देने के लिए, छोटी बेटी जो है जल्दी से घर से भाग जाती है। The king's son met her on his way home from hunting. तो छोटी बेटी जाके जंगल में चुप से बैठी रहती है, वैसे ही वहां पर से एक राजा जो है हंटिंग करके शिकार करके अपने घर वापस जाता है। He noticed how pretty she was. He asked what she was doing all alone and why she was weeping. वो देखा कि इतनी प्यारी लड़की यहाँ पे अकेली बैठी है और आखिर वो क्या कर रही है अकेले और ऊपर से वो रो भी रही है। तो वो उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। Alas sir, she cried. वो बोली, सर my mother has driven me from home. मेरी मम्मी हमको घर से निकाल दी है। As she spoke,
द प्रिंस सॉ फोर और फाइव पर्ल्स एंड एज मेनी डायमंड्स फॉल फ्रॉम हर माउथ। ही वॉज सरप्राइज एंड आस्क्ड हर टू टेल हिम हाउ दिस हैपेंड एंड शी टोल्ड हिम द होल स्टोरी। जैसे ही लड़की बात करने लगी तो राजा क्या देखा कि उसके मुंह से डायमंड्स और पर्ल्स निकल रहा है। वो बहुत सरप्राइज्ड हो गया कि आखिर ये क्या है। उसके बाद वो लड़की से पूछा कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। तब जाके लड़की उसको पूरा स्टोरी बताई। द किंग्स सन फेल इन लव विथ हर एंड ही टुक हर टू द पैलेस ऑफ हिज रॉयल फादर एंड मैरिड हर। उसके बाद क्या हुआ, राजा को जो है इस लड़की से प्यार हो गया और वो इसको अपने घर लेके चला गया और वहाँ जाके इससे शादी कर लिया। द कर्स सिस्टम मेड हर सेल्फ सो हेटफुल दैट इवन हर मदर ड्रॉव हर आउट ऑफ द हाउस। शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट एंड नो वन सॉ हर अगेन। उसके बाद क्या हुआ, जो लड़की को श्राप मिला था यानी बड़ी बहन को, उसको अपने आप से बहुत नफरत हो गया और एक दिन ऐसा आया कि उसकी खुद की मम्मी उसको घर से निकाल दी। वो जंगल में चली गई और उसके बाद वो कहाँ गई ये बात आज तक किसी को भी नहीं पता। पिलाने के लिए हम आपको आए हैं, आपको पानी पीना है, आप खुद से जाके पी लीजिए। यू आर नॉट वेरी पोलाइट एंगर। तो फेयरी क्या बोली, तुम बिल्कुल ही अच्छी लड़की नहीं हो, पर वो कुछ गुस्सा नहीं दिखाई उसको। वेल इन रिटर्न फॉर योर रूडनेस आई विल गिव यू अ कर्स, लेकिन हम तुमको इसके लिए श्राप देते हैं। फॉर एवरी वर्ड यू अटर अ स्नेक और अ टोड शॉल ड्रॉप आउट ऑफ योर माउथ। तुम जब भी बात करोगे तुम्हारे मुंह से चाहे तो सांप निकलेगा चाहे तो मेंढक निकलेगा। द मोमेंट हर मदर सॉ हर कमिंग बैक शी क्राइड आउट वेल डॉटर। तो इसके बाद क्या हुआ, ये रिटर्न चली गई। तो जैसे ही इसकी मम्मी इसको रिटर्न आते हुए देखी, वो पूछी तब बेटी क्या हुआ। वेल मदर रिप्लाइड द रूड गर्ल। उस बेटी क्या बोली, वेल मदर क्या मम्मी। एज शी स्पोक अ वाइपर अ टोड वे स्प्रेड आउट ऑफ द माउथ। लेकिन वो जैसे जैसे बात करना स्टार्ट की वैसे वैसे उसके मुंह से सांप और मेंढक निकलना स्टार्ट हो गया। ग्रेशियस हेवेंस क्राइड हर मदर, व्हाट डू आई सी, हर सिस्टर इज द कॉज ऑफ दिस एंड आई विल पनिश हर फॉर इट। उसकी मम्मी क्या बोली, अरे ये क्या हो रहा है, इन सब के पीछे तुम्हारी छोटी बहन का हाथ है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ऑफ शी रन टू ट्रैच द पुअर चाइल्ड बट शी रैन अवे एंड हिड इन द फॉरेस्ट नियर बाय। जैसे ही वो दौड़ के गई अपनी बेटी को सजा देने के लिए, छोटी बेटी जो है जल्दी से घर से भाग जाती है। द किंग्स सन मेट हर ऑन हिज वे होम फ्रॉम हंटिंग। तो छोटी बेटी जाके जंगल में चुप से बैठी रहती है, वैसे ही वहाँ पर से एक राजा जो है हंटिंग करके शिकार करके अपने घर वापस जाता है। ही नोटिस्ड हाउ प्रिटी शी वॉज, ही आस्क्ड व्हाट शी वॉज डूइंग ऑल अलोन एंड वाई शी वॉज वेबिंग। वो देखा कि इतनी प्यारी लड़की यहाँ पे अकेली बैठी है और आखिर वो क्या कर रही है अकेले, और ऊपर से वो रो भी रही है। तो वो उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अलास सर शी क्राइड, वो बोली सर माई मदर हैज़ ड्राइवन मी फ्रॉम होम, मेरी मम्मी हमको घर से निकाल दी है। एज सी स्पोक द प्रिंस सॉ फोर और फाइव पर्ल्स एंड एज मेनी डायमंड्स फॉल फ्रॉम हर माउथ। ही वॉज सरप्राइज एंड आस्क्ड हर टू टेल हिम हाउ दिस हैपेंड एंड शी टोल्ड हिम द होल स्टोरी। जैसे ही लड़की बात करने लगी तो राजा क्या देखा कि उसके मुंह से डायमंड्स और पर्ल्स निकल रहा है। तो वो बहुत सरप्राइज्ड हो गया कि आखिर ये क्या है। उसके बाद वो लड़की से पूछा कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। तब जाके लड़की उसको पूरा स्टोरी बताई। द किंग्स सन फेल इन लव विथ हर एंड ही टुक हर टू द पैलेस ऑफ हिज रॉयल फादर एंड मैरिड हर। उसके बाद क्या हुआ, राजा को जो है इस लड़की से प्यार हो गया और वो इसको अपने घर लेके चला गया और वहाँ जाके इससे शादी कर लिया। द कर्स सिस्टम मेड हर सेल्फ सो हेटफुल दैट इवन हर मदर ड्रॉव हर आउट ऑफ द हाउस। शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट एंड नो वन सॉ हर अगेन। उसके बाद क्या हुआ, जो लड़की को श्राप मिला था यानी बड़ी बहन को, उसको अपने आप से बहुत नफरत हो गया और एक दिन ऐसा आया कि उसकी खुद की मम्मी उसको घर से निकाल दी। वो जंगल में चली गई और उसके बाद वो कहाँ गई ये बात आज तक किसी को भी नहीं पता। इस स्टोरी से हम लोगों को क्या सीखने मिला कि जो अच्छा करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है और जो लोग किसी के साथ बुरा करते हैं उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता है। आप अगर सबके साथ अच्छे से मिलजुल के रहिएगा तो आप लोग के साथ भी अच्छा ही होगा, बट अगर आप किसी को कुछ नहीं समझिएगा, अगर आप किसी से मिलजुल के नहीं रहते हैं तो आपके साथ भी कभी अच्छा नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़।